नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन डिजीज़ इन पीरियडिक पॉपुलेशन, यानी कि किडनी में पत्थरी की समस्या बच्चों के अंदर। ज़्यादातर देखा गया है कि किडनी स्टोन जो है अडल्ट पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है या थोड़े एजड हैं वो किडनी स्टोन का पेन लेके या कोई समस्या लेके हमारे पास आते हैं। बट ऐसा नहीं है, आजकल ये भी देखा गया है और ये बढ़ता भी जा रहा है कि छोटे बच्चे वो भी किडनी स्टोन से प्रभावित होते हैं। किडनी स्टोन का जैसे सिम्टम है, ज़्यादातर वो तब पता पड़ता है जब बच्चों को तकलीफ़ होती है, पेशाब की कोई तकलीफ़ हुई, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, पेट में दर्द होना। तो पेट में दर्द होने में बच्चा कई बार बता नहीं पाता कि किस तरह का पेन हो रहा है, वो अच्छी तरह से नहीं क्या समझ पाता कि पेट का दर्द जो है वो कमर की साइड से आ रहा है, नीचे पेशाब के रास्ते जा रहा है। वो सिर्फ ये बोलता है कि पेट में दर्द हो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको इवैल्यूएट करें। बच्चा अगर आएगा तो उसको इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड कराएं, पेशाब की जांच कराएं, और अगर ये पाया जाता है कि उसको पथरी बन गई है या पथरी बनने की संभावना है, ऐसा कुछ है, तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब बात ये आती है कि बच्चों में पथरी क्यों बनती है या इतनी कम उम्र में भी, ऐसा क्या है? कई लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि बच्चा अगर मिट्टी खाता है या दीवारों से खुरच खुरच के खाता है तो क्या उसमें पथरी बन सकती है? ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इस तरह की हैबिट्स होती हैं जो आगे चल के उनके शरीर में पथरी बना सकती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की फैमिली हिस्ट्री। अगर उनके परिवार में, उनके पेरेंट्स में, उनके सिबलिंग्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में पथरी की शिकायत है, किडनी स्टोन किसी को बने हैं, तो बच्चों में संभावना ज़्यादा हो जाती है। उनको यंग एज में, मतलब शुरुआत एज के, अपने जीवन के शुरुआत में भी पथरी बन सकती है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेटाबॉलिक स्टोन डिजीज़ या मेटाबॉलिक फैक्टर्स। शरीर के अंदर कई सारे बदलाव या कई सारे चलते रहते हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो बदलाव करते हैं। इन सब की जाँच बच्चों में करना अति आवश्यक हो जाता है। उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे पैराथायरॉइड हार्मोन, इसको इवेल्यूट करते हैं। उसके अलावा विटामिन डी, इसकी कोई डेफिशिएंसी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, किडनी की कोई और बीमारी तो नहीं है, ये सब चीज़ें बच्चों में पथरी बनाने के कारण हो सकती है। तो अगर कोई बच्चा पथरी की बीमारी से ग्रसित है तो उसमें अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होते हैं अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट या सीटी स्कैन, बट बच्चों में ये वाले जो टेस्ट होते हैं जिनको हमें मेटाबॉलिक स्टोन डिजीज़ के लिए कराते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अगर इनमें कोई समस्या निकलती है तो पथरी के इलाज के साथ साथ इनका इलाज ज़रूरी होता है। तो पथरी बच्चों में जब होती है तो हमें ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जैसे भी कुछ कंप्लेन करे, पेट दर्द की समस्या बताए, पेशाब की समस्या बताए, तो वो तुरंत वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद में अगर ये निकल के आता है तो हमें इस चीज़ का इलाज कराएं। किसी बच्चे को बार बार इन्फेक्शन अगर यूरिन का हो रहा है तो अंदर पथरी हो सकती है, क्योंकि अगर वो रास्ते को रुकावट पैदा कर रही है तो यूरिन बार बार इन्फेक्ट हो सकती है। सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन ही एक प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है स्टोन का। पेन अगर नहीं है बच्चे को और अगर पाया गया है पथरी है, तो भी उसका इलाज जरूरी है, क्योंकि कई बार साइलेंट स्टोन यंग एज में किडनी को डैमेज कर सकते हैं। और अगर पथरी किडनी के अंदर है तो हमें दवाई दी जाती है जिससे कि पथरी की मात्रा ज़्यादा ना बढ़े, और वो छोटी पथरी है तो कई बार डिसॉल्व भी हो सकती हैं या निकल सकती हैं। लेकिन अगर बड़ी पथरी हो गई है या वो किडनी से निकल के यूरेटर में, यानी कि नली में, उसमें फंस गई है, तो उसमें हमें इलाज बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं तो उतनी ही हमारे पास विधि आ गई हैं, तरीके आ गए हैं कि हम पथरी निकाल सकें। बच्चों के लिए भी हमारे पास में बहुत ही मिनिएचराइज्ड स्कोप्स होते हैं, छोटे छोटे दूरबीन हैं जो हम बिना चीरे लगाए लेज़र की विधि के द्वारा हम पथरी निकाल सकते हैं। अगर नली में पथरी फंस गई है तो हम पेशाब के रास्ते से जा सकते हैं, अंदर से जाके उसको लेज़र से चूरा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। हाँ, अगर पथरी का साइज़ बड़ा हो गया है और वो नीचे से संभव नहीं है, मतलब पेशाब के रास्ते से संभव नहीं है, तो हमें किडनी की, यानी कि पेट के साइड से, कमर के साइड से हमें छोटी सी दूरबीन किडनी की साइड से जाती है और उसमें पथरी को चूरा कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इलाज की बात, लेकिन बहुत ज़रूरी है बच्चों में बचाव। अगर पेरेंट्स में हिस्ट्री है कि पथरी उनके अंदर है, तो बच्चे को शुरू से ही आदत डालें कि रेगुलर पानी पीता रहे, और अगर जरा सी भी उसको कभी समस्या हो, पेट दर्द हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, तो तुरंत वो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें या अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि वो फर्दर इवेल्यूएट हो सके और टाइम पे किसी भी बीमारी का इलाज हो सके। धन्यवाद।